तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैसी सभी टिप्स के बारे में जिसको फॉलो करके आप लोग अपनी बाइक की माइलेज बढ़ा सकते हो। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये सब कोई जादुई टिप्स नहीं है जिसको फॉलो करके आप लोग अपनी बाइक की माइलेज को दोगुना कर दोगे। मतलब अभी अगर 35 की माइलेज मिल रही है तो आपको 70 की माइलेज मिलने लगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, ये सब टिप्स को फॉलो करके आप लोग अपनी बाइक की मैक्सिमम माइलेज जरूर निकाल पाओगे। तो ये सब टिप्स को फॉलो करने के बावजूद भी अगर आपको हेल्प नहीं मिल रहा है, अगर आपकी बाइक की माइलेज में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो ये सब रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा डाउट क्वेरीज हो रही है तो ये सब चीज आप मेरे से पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहां पे आप लोग मेरे को फॉलो भी कर सकते हो और कोई भी बाइक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में टोटल हम लोग 8 पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अब बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है और जो सबसे पहला टिप है वो ये है कि आपको हमेशा टायर प्रेशर मेंटेन रखनी चाहिए। तो बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि टायर प्रेशर से क्या होगा, टायर प्रेशर से माइलेज का क्या रिलेशन है। लेकिन अगर आप लोग साइंस के माध्यम से देखोगे, साइंस से रिलेट करके देखोगे, तो अब आप लोगों को वाकई में पता चलेगा कि टायर प्रेशर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, भूमिका निभाती है आपकी माइलेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। तो इसलिए टायर प्रेशर हमेशा आप लोगों को मेंटेन रखनी चाहिए, उतनी हवा अपनी टायर में डलवानी चाहिए जितनी की आपकी ब्रांड रिकमेंड करती है। लेकिन अब आप लोग मेरे से अगर यहाँ पे ये पूछना चाहते हो कि भाई हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारी ब्रांड क्या बोलती है कि फ्रंट टायर में कितना प्रेशर होना चाहिए, रियर टायर में कितना प्रेशर होना चाहिए, तो सो आजकल मोस्ट ऑफ द बाइक जो आती है मार्केट में उनमें आपको लिखा हुआ मिल जाता है। कहीं ना कहीं बाइक में आपको जरूर लिखा हुआ मिल जाएगा कि फ्रंट वाली टायर में कितना प्रेशर होना चाहिए, रियर में कितना प्रेशर होना चाहिए, अगर आप लोग सोलो राइड करते हो तो कितना प्रेशर होना चाहिए, और अगर पिलियन के साथ राइड करते हो तो कितना प्रेशर होना चाहिए। फिर भी अगर आपको अपनी बाइक में लिखा हुआ नहीं मिलता है कि आपकी टायर में कितना पीएसआई में एयर प्रेशर होना चाहिए, तब आप लोगों को ये जो चीज है वो मिल जाएगी अपनी ओनर्स मैनुअल में। अपनी बाइक रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है, तो आपकी जो समाधान है वो आपकी ओनर मैनुअल में पहले से लिखी रहती है। तो इसीलिए ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरी बाइक में तो लिखा ही नहीं कि कितना प्रेशर मेरे को चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको डिफॉल्ट नंबर्स बता देता हूँ, जिसकी वजह से अगर आपको कभी भी नहीं याद आ रहा है कि कितना प्रेशर डलवाना है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आगे वाले जो टायर होते हैं उसमें 30 psi डलवा सकते हो और रियर में 35 psi डलवा सकते हो। तो ये एक डिफॉल्ट नंबर है, लगभग हर टायर में हवा डालने वाले लोग इतना ही करते हैं, वो आगे में 30 रखते हैं और पीछे में 35 रखते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा कभी कभी 32 हो जाता है या फिर पीछे में 38 हो जाते हैं, यानी 38 होती है। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि अगर आपकी टायर में एयर प्रेशर कम होगा तो इसके वजह से आपकी जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो ज्यादा हो जाएगी, रोड के साथ जो आपकी बाइक की रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी इंजन को ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा आपकी बाइक को आगे पुल करने में। और कोई भी सिनेरियो में अगर इंजन को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है बाइक को आगे पुल करने में, बाइक को आगे खींचने में, तो वहां पे आपकी जो बाइक की माइलेज है वो कम जरूर हो जाएगी। तो वैसे अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया कि टायर प्रेशर और माइलेज का आपस में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे आप लोग सिंपल से क्या कर सकते हो कि एक साइकिल ले सकते हो, और यहाँ पे कोई भी साइकिल ले सकते हो, उसमें आप लोगों को क्या करना है कि उसका जो टायर प्रेशर है उसको एकदम कम कर देना है, आगे पीछे दोनों ही टायर प्रेशर आपको एकदम कम कर देना, फिर आपको उस साइकिल को चलाना है, तब आपको पैडल मारने में काफी ज्यादा मेहनत लगेगी, काफी ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि अगर टायर में हवा कम होगी तो फिर इंजन के साथ क्या होता होगा। इसीलिए हमेशा आप लोगों को अपनी बाइक में एडुकेट टायर प्रेशर मेंटेन करना चाहिए। अब दोस्तों ये जो दूसरी टिप आप लोग है इसको जरूर से फॉलो करके आप लोग की जो माइलेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, और वो है अननेसेसरी थ्रॉटल इनपुट। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि बिना मतलब को एक्सेलेरेटर देते रहते हैं, कभी कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं, कभी एक ही बार बढ़ा देते हैं, तो इसके वजह से भी इंजन पर काफी ज्यादा लोड पड़ता है और इसके वजह से भी आपकी जो माइलेज है वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे अगर देखा जाए तो अननेसेसरी थ्रॉटल इनपुट कोई जानबूझकर करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये हम लोगों से हो जाता है। तो हम लोगों को जरूरत है कि हम लोग थोड़ा सा इस पर फोकस करें और ये आदत को छोड़े, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक ही बार जब आप लोग एक्सेलेरेटर देते हो तो आपके इंजन का जो अंदर का मूवमेंट हो बहुत ही तेजी से होने लगता है, मतलब जो इंजन के अंदर का सिलेंडर होता है उसके अंदर में जो पिस्टन का मूवमेंट हो बहुत ही जल्दी जल्दी होने लगता है, जिसके वजह से आपकी जो एयर और फ्यूल के मिक्सचर है वो भी जल्दी जल्दी होने लगती है, तेजी से होने लगती है, तो इसके वजह से आपकी माइलेज डिक्रीज होती है। फिर एक ही बार जब आप लोग एक्सेलेरेटर यानी थ्रॉटल को थोड़ा सा कम करते हो, थोड़ा सा मॉडरेट करते हो, तो जो सिलेंडर के अंदर का मूवमेंट है वो नॉर्मली चलने लगता है, लेकिन फिर से अगर अचानक से तेज करते हो तो फिर से वहां पे वही चीज होती है, फिर एयर और फ्यूल का मिक्सचर बहुत ही जल्दी सप्लाई होने लगता है, और वहीं बार बार ऐसा करने की वजह से आपकी जो माइलेज है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए इसका मतलब यही है कि अगर आपको बाइक में थ्रॉटल मिला हो, एक्सेलेरेटर मिला हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि कभी भी उसको तेज कर दो, कभी भी कम कर दो। ऐसे करने वाले तो करते हैं, जिनकी बाइक है वो तो कुछ भी कर सकते हो, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये वाली जो आदत है थोड़ा सा इस पर फोकस करने से आपकी बाइक की माइलेज जरूर से इंक्रीज हो जाएगी। तो या इसलिए अननेसेसरी थ्रॉटल इनपुट पर भी आप लोगों को एक बार ध्यान देने की जरूरत है। अब थर्ड नंबर पर ये जो टिप है इसको बार बार आप लोगों को ध्यान देने की तो जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है ये आपको उतने ज्यादा तंग नहीं करती आपकी बाइक की माइलेज को डिक्रीज करने में, क्योंकि आप जब भी बाइक को सर्विस पे ले जाते हैं तो वो लोग इसको अपने से ही चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे थर्ड नंबर बात कर रहे हैं एयर फिल्टर के बारे में। तो दोस्तों एयर फिल्टर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बाइक की माइलेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने में, और वो कैसे करता है इसके बारे में जल्दी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि एयर फिल्टर का काम क्या होता है। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि जो बाइक है वो चलती इस प्रकार से है कि जब उसके अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है तब वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर जाके बर्न होता है, तभी जो आपके सिलेंडर के अंदर का जो पिस्टन होता है वो मूव करता है और उसी की वजह से आपकी बाइक आगे चलती है, मतलब
आगे बढ़ती है, आगे बाइक पुल होती है। तो वैसे जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे जो इंडिया का क्लाइमेट है वो काफी ज्यादा डस्टी है, इंडिया में पॉल्यूशन काफी ज्यादा। यहाँ पर मैं अपनी इंडिया की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है कि इंडिया में पॉल्यूशन काफी ज्यादा यहाँ पर डस्ट है, जिसकी वजह से हमारी यहाँ की जो बाइक की एयर फिल्टर्स होती है, कार्स की जो एयर फिल्टर्स होती है, वो बहुत ही जल्दी गंदी होती है। और इसीलिए इंडिया में जो बाइक कार की जो सर्विस इंटरवल है उसमें एयर फिल्टर का जो चेंजेस है वो बहुत ही कम किलोमीटर पर आपको देखने को मिल जाता है। मतलब जैसे 6-7 हज़ार किलोमीटर पर आपको एयर फिल्टर कभी कभी चेंज करवाना पड़ता है, कभी कभी 10,000 पे रहता है, और कोई कोई बाइक्स में आपको 3-4 हज़ार किलोमीटर पर भी चेंज करवानी पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी जगह पर बाइक चलाते हो, आपकी बाइक कितना ज्यादा डस्ट में रहती है, तो वो सब इस फैक्टर्स पर भी डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर एयर फिल्टर गंदा होता है तो एयर फिल्टर के भी गंदे होने की वजह से आपकी जो माइलेज है वो डिक्रीज होती है। और वो ऐसे होती है कि एयर फिल्टर ही आपकी बाइक की वो पार्ट होती है जो आपकी बाइक में एयर इनटेक का काम करवाती है। मतलब आपकी बाइक के इंजन के अंदर जो एयर घुसता है वो सबसे पहले एयर फिल्टर के ही थ्रू होके जाता है। और एयर फिल्टर को इसलिए लगाया जाता है ताकि वो एनवायरमेंट से जब जो एयर है वो इंजन के अंदर जाती है तो उसमें से जितने भी डस्ट होते हैं, जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी वो सब फालतू की चीज होते हैं, कचरा वचरा जो होता है उसको साइड कर दे, एकदम जो फ्रेश एयर है, जो एकदम क्लीन एयर है वही इंजन के अंदर जाए। तो बस इसी चीज की वजह से कार और बाइक्स में एयर फिल्टर्स का यूज होता है। अगर ऑटोमोबाइल्स में एयर फिल्टर्स का यूज करना कंपनीज छोड़ दे तो आपकी जो इंजन है बहुत ही जल्दी गंदी हो जाएगी, इंजन में जो है वो डस्ट पार्टिकल्स भी चल जाएंगे, और जिसकी वजह से इंजन की जो लाइफ है उतनी नहीं रह जाएगी जितना होती है। तो मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी कि अगर एयर फिल्टर में कचरा घुस जाएगा तो ये चीज आपकी बाइक की माइलेज को कैसे हार्म कर सकती है। अब दूसरी आप जो फोर्थ नंबर टिप है वो चीज आप लोगों को जरूर से फॉलो करनी चाहिए अगर आप लोगों के पास वैसी बाइक है जिसका जो चेन है वो ओपन है तो। और यहाँ पे हम लोग फोर्थ नंबर बात कर रहे हैं चेन लुब्रिकेशन के बारे में। तो वैसे आजकल मार्केट में जितनी भी बाइक्स आती है 150 160 सीसी से अबव डिस्प्लेसमेंट वाली, उनकी जो चेन है वो आपको ओपन ही देखने को मिलती है, उनमें कोई भी कवर नहीं लगाया जाता है। और इसलिए जो जो भी बाइक्स आती है जिनमें की ओपन चेन आपको देखने को मिलता है उनकी जो चेन है वो काफी ज्यादा गंदी हो जाती है। और गंदी होने की वजह से ये भी जो चीज है वो आपकी माइलेज को कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। अब वो इसलिए डालती है क्योंकि अगर आपकी जो बाइक की चेन है अगर वो गंदी हो जाती है तो इसके वजह से भी आपकी जो बाइक की फ्रिक्शन है वो बढ़ जाती है, और फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो आपकी माइलेज है वो डिक्रीज हो जाती है। और जब जब आपकी बाइक की कोई भी चीज की वजह से अगर आपकी बाइक की फ्रिक्शन बढ़ जाती है, चाहे वो टायर प्रेशर हो या फिर चाहे वो चेन लुब्रिकेशन की वजह से हो, तो ये सब चीजों की वजह से अगर फ्रिक्शन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आपकी इंजन को एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है। और जब जब इंजन अगर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगी बिना मतलब का, तो इसका पीछे का रीजन आप लोगों को पता है कि आपकी जो माइलेज है वो कम मिल जाएगी, उतना नहीं मिलेगी जितना आप लोग एक्सपेक्ट करोगे। तो इसलिए चेन लुब्रिकेशन भी हमेशा टाइम टू टाइम होनी चाहिए, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपकी जो चेन है वो कब गंदी हो रही है। फॉर एन एग्जांपल यहां पे मैं, इसलिए चेन लुब्रिकेशन भी एकदम टाइम टू टाइम होनी चाहिए, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपकी बाइक चेन कितनी गंदी हुई है, कब उसको लुब्रिकेट करने की जरूरत आ गई है। सो बट एनीवेज यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कब कब आपको चेन लुब्रिकेट करना चाहिए, क्या वो डिफॉल्ट डेट होता है, क्या वो डिफॉल्ट किलोमीटर्स होता है जिसपे आप लोगों को अपनी बाइक की चेन जो है उसको एक नई बार लुब्रिकेट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपकी बाइक रोज चलती है, अगर आप बहुत ज्यादा अपनी बाइक को रोज चलाते हो, तो यहाँ पे आपको 1.5 से 2 हफ्ते में एक नई बार अपनी चेन को जरूर से लुब्रिकेट कर लेना चाहिए। और वहीं अगर आपकी बाइक बहुत ज्यादा कम चलती है, यानी हफ्ते में 3-4 या 5 बार चल जाती है, और महीने में भी बहुत कम चलती है, तो यहाँ पे अगर आप लोग 1 महीने में भी लुब्रिकेट करोगे तो यहाँ पे आपके लिए सही रहेगा। आप लोग 1 महीने या फिर 1.25 महीने पर भी लुब्रिकेट कर सकते हो, इस टाइम लिमिट में आप लोगों को लुब्रिकेट कर लेना है। वैसे चेन लुब्रिकेशन का जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे आपको हल्के फुल्के स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, 1-2 आपके पास मटेरियल होने चाहिए जिसकी वजह से आप लोग आसानी से चेन को लुब्रिकेट घर पर ही कर सकते हो। अब दोस्तों फिफ्थ में हम बात कर रहे हैं ऑयल फिल्टर के बारे में। तो एयर फिल्टर का जैसा केस है वैसे ही हल्का ऑयल फिल्टर का भी केस है। ऑयल फिल्टर का नाम सुनकर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसका काम होता है ऑयल को फिल्टराइज करना, ऑयल में जितने भी खराब पार्टिकल्स रहते हैं, जितने भी हल्के फुल्के भी उसमें कुछ भी ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं जो इंजन को हार्म करे उसको इंजन में घुसने से बचाना। इसीलिए आपकी ऑयल फिल्टर भी हमेशा क्लीन रहनी चाहिए, हमेशा साफ रहनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी इंजन में कुछ भी ऐसा चीज ना घुसे जिसकी वजह से आपकी जो इंजन है उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े, और एफर्ट लगाने की वजह से माइलेज डिक्रीज हो जाए। तो इसलिए ऑयल फिल्टर के बारे में भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कब कब आपकी ऑयल फिल्टर गंदी हो रही है। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में जब जब आपकी बाइक की सर्विस होती है तो जब जब उसमें इंजन ऑयल चेंज किया जाता है तो ऑयल फिल्टर को भी चेंज कर दिया जाता है। इसलिए अगर आप लोग ऑयल फिल्टर के बारे में भूलते भी हो तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो 6th नंबर टिप है वो ये है कि यू शुड ऑलवेज फॉलो अ गुड आरपीएम। अब इसका मतलब ये है कि आपकी बाइक की जो आरपीएम होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपको अपनी बाइक की माइलेज कैसी मिलेगी। तो देखा जाए तो 2nd नंबर जो उन्होंने पॉइंट के बारे में बात किया था अननेसेसरी थ्रॉटल इनपुट से, तो वही वाली जो पॉइंट है वो ये 6th नंबर पॉइंट से भी रिलेट करती है, क्योंकि अगर आप लोग ज्यादा थ्रॉटल भी दोगे, ज्यादा कम थ्रॉटल भी दोगे, अगर आप लोग ऊपर नीचे थ्रॉटल दोगे तो इसकी वजह से आपकी आरपीएम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो अब इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं और डिटेल में शेयर करूँ और थोड़ा सा एलोबरेट करूँ। तो यहाँ पर भी आप लोग जैसे जानते हो कि आजकल बहुत सारे बंदे लोग क्या करते हैं कि अपनी बाइक को एकदम लिमिटर तक हिट करते, एकदम टॉप एंड में चलाते हैं, कुछ बंदे लो एंड राइड करते हैं, कुछ बंदे मिड एंड में चलाते हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो उन बंदों को होता है जो अपनी बाइक की जो लिमिटर है उसको हमेशा हिट करते, एकदम आरपीएम ऊपर तक पहुंचा देते। मतलब अगर 10-12,000 तक आरपीएम बाइक में दी हुई तो एकदम वहां तक टच करते हैं, टॉप एंड में जो लोग भगाते उनको सबसे ज्यादा खराब माइलेज मिलते हैं अपने बाइक से, क्योंकि आरपीएम और माइलेज का इनवर्स रिलेशन होता है। हायर द आरपीएम लोअर द माइलेज, लोअर द
आरपीएम हायर द माइलेज। तो इस पर भी मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोग भी जैसा जानते हो कि अगर आप लोग हायर आरपीएम पर राइड करोगे तो उस समय क्या होता है कि आपके इंजन के अंदर का जो मूवमेंट होता है बहुत ही जल्दी जल्दी होने लगता है, एयर और फ्यूल का जो सप्लाई होता है वो भी बहुत ही जल्दी इंजन के अंदर जाने लगता है। इसीलिए अगर आप लोगों को माइलेज चाहिए तो आप लोगों को मिड आरपीएम पर राइड करना होगा, और मिड आरपीएम पर आपको सबसे बेस्ट माइलेज मिलती है अपनी बाइक की। मतलब एक तरह से अगर आप लोग 4000 आरपीएम से 6000 आरपीएम के बीच में राइड करोगे तो ये सबसे बेस्ट होता है माइलेज अच्छा गेन करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो 7 नंबर पर टिप है इसको ज्यादा फॉलो करने की जरूरत पड़ती है उन राइडर्स को जो लोग अभी अभी बाइक चलाना सीखे, जो लोग एकदम बाइकिंग कल्चर से एकदम अनभिज्ञ है, जिन लोगों ने उतना ज्यादा बाइक नहीं चलाई, जिनके वजह से उन लोगों को ये नहीं पता कि कब कौन सी गियर सही समय पर लगानी पड़ती है। तो वैसे कभी कभी कुछ एक्सपीरियंस राइडर्स के साथ भी ये गलती हो जाती है, लेकिन बहुत जो नए सीखी है वो लोग क्या करते हैं कि हायर गियर पर भी एकदम लो स्पीड पर राइड करते हैं, लोअर गियर पर भी हाई स्पीड पर राइड करते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को आरपीएम के केस में बताया कि आरपीएम और माइलेज का इनवर्स रिलेशन होता है, वैसे गियर्स और आरपीएम का इनवर्स रिलेशन होता है कि लोअर द गियर्स हायर द आरपीएम, हायर द गियर्स लोअर द आरपीएम। और फिर से वाली जो आरपीएम की थ्योरी है इसको आप लोग माइलेज से रिलेट कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया दिया था कि हायर द आरपीएम लोअर द माइलेज, लोअर द आरपीएम हायर द माइलेज। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो गियर और माइलेज का भी वही सेम केस हो जाता है, अगर आप लोग बहुत ज्यादा लोअर गियर्स पर राइड करते हो तो आपको माइलेज बहुत ज्यादा कम मिलता है, और हायर गियर्स पर राइड करते हो तो आपको माइलेज काफी अच्छी मिलती है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब जब आप लोग हायर गियर्स पर राइड करते हो, जैसे कि 5th गियर हो गई, 6th गियर हो गई, तो ये सब गियर्स पर क्या होता है कि आपको अपनी बाइक की बेस्ट माइलेज मिलती है। लेकिन हाँ, ये सब का भी एक कंडीशन होता है कि ये नहीं कि अगर आप 5th-6th गियर पर चला रहे हो तो 20-30 की स्पीड पर चलाओ, आपको उनका एक स्पीड लिमिट मेंटेन करना पड़ता है। तो इसलिए गियर्स के बारे में भी आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, कौन से समय में कौन सी गियर्स आप लोगों को लगानी है, कौन सी कंडीशन में कौन सी गियर्स आपकी बाइक के लिए सुटेबल है। तो वैसे नए लोगों को ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे चलाने के बाद, आपको थोड़ी सी एक्सपीरियंस करने के बाद ये चीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऑफ दिस वीडियो विच इज द सर्विस। तो जी हाँ दोस्तों, 8 नंबर पर सर्विस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि बाद बाकी जितने भी 7 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताई वो सब सभी 7 पॉइंट्स जो 7 टिप्स है वो आपके लिए बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी अगर आपकी जो बाइक है वो सर्विस ही नहीं आप लोग करवाओगे तो। क्योंकि टाइम टू टाइम अगर आपकी बाइक की सर्विस नहीं होती है तो इसके वजह से आपको काफी ज्यादा नुकसान है, आपकी जो एयर फिल्टर है वो गंदी हो जाएगी, ऑयल फिल्टर है वो गंदी हो जाएगी, आपका जो चेन है वो लुब्रिकेट नहीं होगा, ये सब बहुत सारी जो चीज है वो आपको पता ही नहीं चलेगी, और ये सब कहीं ना कहीं जो चीजें है ये आपके माइलेज को इफेक्ट करेगी। हाँ, एक हफ्ते दो हफ्ते देरी से अगर आप लोग सर्विस कराओगे तो उससे बहुत बड़ा कुछ इंपैक्ट नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को आज सर्विस की डेट आई है और अगर आप लोग 3 महीने बाद सर्विस करवाने जा रहे हो तो आपकी जो इंजन वो बोलेगा कि क्यों करा रहे हो, रहने दो। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने, यही 8 पॉइंट जो थी वो मैंने आप लोगों के साथ जरूरी समझी शेयर करने को। अगर आप लोगों को ये 8 पॉइंट्स अच्छी लगती है, ये 8 टिप्स अच्छी लगती है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ताकि मेरे को आप लोगों को भी इंटरेस्ट के बारे में पता चले। तो ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वही आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।